हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बढ़ाऊंगी क्रैमर रूल की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ दो इक्वेशन दिए और दोनों ही बेटा लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला? देखिए x और y पे बच्चों एक पावर है, मतलब इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं? x और y, दो वेरिएबल है। दो लीनियर इक्वेशन है और दो ही क्या है? वेरिएबल है। इस तरह की इक्वेशन को यदि आपको क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करना है तो सबसे पहले बेटा आपको निकालना होता है डेल। ठीक है, अब डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है डिटरमिनेंट वैल्यू। इसे निकालने के लिए आपको बच्चों एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट लेने होते हैं। देखिए इधर एक्स का कोएफिशिएंट 2 और 3 है, 2 3 ऐसे लिख लिया। ठीक है, इधर वाई का कोएफिशिएंट बेटा -1 और 5 है, ये -1 और 5। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में यदि प्लस माइनस की गलती ना हो तो एक बात आप ध्यान रख लो, पहला वाला प्लस और दूसरा आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। ठीक है, ये डेल इक्वल टू, सबसे पहले बेटा हम लेंगे प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 ले लिया। अब बेटा इसका इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, मतलब 2 का 5 में मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब लेंगे हम इसको, अब इसको आप लेते हो तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस 1। ठीक है, अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस 1 का 3 में मल्टीप्लाई, ये हो गया 10 प्लस 3 13। डेल की वैल्यू आपने निकाली 13। 13 बच्चों इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं आनी। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन बच्चों यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। अब बच्चों इस यूनिक सॉल्यूशन को हम निकालेंगे। अब बच्चों क्रैमर रूल फॉर्मूला क्या है? देखिए एक्स इक्वल टू होता है डेल 1 अपॉन डेल, और बेटा वाई इक्वल टू होता है डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, अब सबसे पहला काम आप डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए जब आप डेल 1 निकाल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? x की वैल्यू निकालने वाले हो। ठीक है, तो बेटा x के कोएफिशिएंट मत लीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे? x के कोएफिशिएंट नहीं लोगे तो उसकी जगह क्या लेने वाले हो? ये लोगे, मतलब 17 और 6 लोगे, तो ये 17 और ये 6। ठीक है, और y के कोएफिशिएंट तो आपको लेने हैं -1 5। ठीक है, अब ये प्लस का और ये माइनस का, डेल 1 इक्वल टू सबसे पहले प्लस का 17 लोगे। ठीक है, अब बेटा 17 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब इसकी बारी, इसको लोगे तो देखिए ये माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये हो गया प्लस 1। इसका बेटा आपको 6 में मल्टीप्लाई करना है, ये 85 प्लस 6 91, ये डेल 1 की वैल्यू है। इसे लिख लेते हैं, डेल 1 इक्वल टू 91। ठीक है, डेल 2। अब बच्चों आप y की वैल्यू निकालोगे तो y के कोएफिशिएंट आपको नहीं लेना है, तो इसकी जगह क्या लोगे आप? बेटा ये लोगे 17 और 6। ठीक है, x के कोएफिशिएंट तो आप लोगे 2 3, और y के कोएफिशिएंट की जगह 17 और 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहला प्लस और दूसरा माइनस लेना है। अब ये प्लस का 2 लेंगे, ये प्लस का 2 लिया, इसका बेटा इस 6 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसकी बारी, माइनस का 17, तो ये माइनस का 17, इसका बेटा इस 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 12 और ये 51 घटाएंगे माइनस का 39, ये आ गया डेल 2 की वैल्यू। इसे भी लिख लेते हैं, डेल 2 इक्वल टू माइनस का 39। अब बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, देखिए एक्स इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल है, डेल 1 की वैल्यू 91 है और डेल की वैल्यू बेटा 13 है, 13 के टेबल से कैंसिल करा, एक्स इक्वल टू आया 7। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 की वैल्यू है -39 और डेल की वैल्यू है 13, 13 के टेबल से कैंसिल करा माइनस का 3। इस तरह से बच्चों x इक्वल टू आया 7 और y इक्वल टू आया -3। आज आपने क्रैमर रूल की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।